अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने रुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू मूंगरे। वो मैंने मूंगरे लिए और ये मैंने आलू लिए, टमाटर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिए और ये मैंने प्याज लिए। ठीक है जी, ये पहले मैं ये मूंगरे लिए। मूंगरों को मैंने व्यूअर्स मैंने इसमें नमक लगा के तो इसको कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। ठीक है, ये मैंने इस तरह बना लिए और इसको फिर मैंने अच्छी तरह धोया, बहुत अच्छी तरह धो लिया। तो फिर इसको धोने के बाद अब मैं इसको, ये ऑयल गर्म हुआ है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, इसका पानी खुश्क हो गया। ये देखिए, ये बन गई है, ये फ्राई भी हो गई अच्छी तरह और इसका पानी भी खुश्क हो गया। बस आपने इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए, कलर नहीं चेंज होने देना, बस इसको यूँ फ्राई कर लिए हमने। ये देखिए, ये फ्राई कर लिए मैंने। इसको बस थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ये छुरी से तो नहीं बनती, ये व्यूअर्स हाथों से बनती है। पीछे वाले और आगे वाली जो डंडी होती है उसको तोड़ना होता है और हाथों से ही, अगर वो ज़्यादा लंबे मूंगरे हों तो फिर आप वो आधे आधे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाथों से ही। ये बहुत अच्छी सब्जी है, ये आपका जो ब्लड है उसको साफ करती है और बड़े अच्छे आपके हाजमे भी काम आती है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई किया करें, ये ज़रूर खाने वाली सब्ज़ी है, इसको खाया करें। तो बाद लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बनाना भी बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ऐसे ये देखिए, मैंने ये ऑयल, इसी ऑयल में मैं अब ये प्याज डाल दूँगी। ये देखिए, ये प्याज मैं इसी ऑयल में डालूँगी। व्यूअर्स, ये प्याज बन गए, लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए, ये बस थोड़ा सा भून गया तो फिर इसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। ये बन गया, ये देखिए छोटे हो गए। अब ये टमाटर है, एक बड़ा टमाटर मैंने एक लिया था, ये का पानी खुश्क हो जाएगा टमाटर का, तो फिर मैं इसमें नमक मिर्च डाल दूँगी। मैंने नमक लिया, ये मैंने लाल मिर्चे लिए और ये मैंने हल्दी ली। नमक मिर्च को पकाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि नमक मिर्च पक जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल ऊपर आ गया, अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आपका फ्लेम हल्का कर दूंगी। थोड़ा पानी डाल दिया। ठीक है, ये देखिए, बस अभी थोड़ी देर तक आलू जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैं ये देखेंगे, ये मूंगरे डाल दूंगी इसमें। अब ये मूंगरे और आलू जो है वो दोनों मिक्स होके पक जाएंगे
और मूंगरे जो है उसके ऊपर नमक और मिर्च जो है वो भी रख जाएगा। ठीक है, ये देखिए बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसको मैं पकाने के लिए 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। पानी आपने ऐसे डालो बस, यूँ यूँ, ठीक है, यूँ पानी डालना। उतनी देर में ये सब्जी हल्की आंच पे मैं बनाऊंगी ताकि ये पक जाए, आलू भी पक जाए और ये भी। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार होगी बिल्कुल। ये देखिए कितनी मज़े की बनी है, देखिए बिल्कुल भुनी हुई होती है, बड़ी टेस्टी लगती है ये। ये देखिए मैं अब आपके सामने डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाए हैं आलू मोंगरे। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी और ये थी आज की हमारी बहुत ही टेस्टी इजी और वीगन रेसिपी आलू मोंगरे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह नेगेबान।